तो भाइयों गुड इवनिंग, बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या रह सकता है मार्केट, मंडे को क्या रह सकता है, पिछले वीक में क्या हुआ मार्केट में, ठीक है, और आज के लेवल्स की बात करेंगे। राशिफल का मैं देखता हूँ, एक कोई एक और अच्छा मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था तो उसमें डाल दूंगा, नहीं तो आपको एस्ट्रो स्टॉक अपडेट के नाम से टेलीग्राम है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पिछला वीक बहुत ही अच्छा गया है, एक दो दिन मैंने आपको कॉल दी थी, डबल ट्रिपल और काफ़ी हुई हैं, और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जितनी भी हमने BTST दी हैं सभी में एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है, हर रोज पूरे वीक, ठीक है। तो BTST का फायदा यही है कि जो आदमी ट्रेडिंग नहीं करते, कुछ पैसा से आपको बोला ये ले जाओ, लेके गए, नेक्स्ट दिन मार्केट को देख के आपने बुक कर लिया, ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। अभी आने वाले वीक में क्या लग रहा है मार्केट, ओवरऑल देखो तो बाई ऑन डिप्स है, लेकिन ज्यादा ऊपर भी जाता दिखाई नहीं दे रहा है भाई, ठीक है, और गिरता भी हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बीच में या कंसोलिडेशन में रहेंगे। पिछला एक वीक निकल गया, मैंने बोला था आपको कि ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस लेवल पे करना चाहते हैं, और वो एक दिन नहीं दो दिन बोला है, आप लोग उसमें देखना पिछले वीडियो में, या मेरे को एक दो आदमी जो जानकार है लिख देना व्हाट्सएप पे, तो मेरे को पता लग जाएगा आप कितने ध्यान के साथ सुनते हो या नहीं सुनते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चलो मैं बताता हूँ, 48,000 एक ऐसा लेवल बना हुआ है कि ये चाहते हैं कि इसके नीचे एक्सपायरी की जाए, ठीक है। तो जब भी 48,000 जाता है मार्केट, तो वहाँ पे 48,050 के करीब गया था फ्राइडे को, तो जिसने शॉर्ट किया होगा, जिसको हमारी बातें पता है, तो एक अच्छा पैसा बना होगा, ठीक है। तो वहाँ करना क्या होता है कि देखो, जितनी बड़ी पोजीशन उतना बड़ा डर, पेट में गुड़ गुड़ होती रहेगी, एक दो लॉट ले लो, फिर वो कॉन्फिडेंस मान लो 100 रुपये बढ़ गया, हाँ फिर दो एक दो बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका मार्जिन है ना, मान लो ये हुआ तो आपको लॉस तो नहीं होगा ना। तो वहाँ पे भी जो पुट थी वो डबल से ज़्यादा हुई थी बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो अभी जहां मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, बैंक निफ्टी वो सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, वो सपोर्ट अगर टूटता है तो नीचे की तरफ पहुंचा देगा आपको 200 पॉइंट और नीचे, और नहीं टूटा तो फिर 300 पॉइंट ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है 48,000 का मंथली एक्सपायरी के लिए, आपने ये ध्यान रखना। तो कोई बोले बाई ऑन डिप्स है, कोई बोले सेल ऑन राइज है, 48,000 जाता है सेल ऑन राइज है, जब तक जो पहला हाई है 48,200 वो नहीं क्रॉस हो रहा, हम ऊपर नहीं जा रहे। मैंने बीच में भी बताया, जहां मार्केट गिरा है आपका एक दिन, उससे पहले बताया था आप ऊपर की ज़्यादा पोजीशन खरीद के मत रखना, ऊपर जाएगा फिर हम देखेंगे, लेकिन मार्केट में वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट पर कोई वीकनेस नहीं है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी में आवरली पे हल्की सी वीकनेस दिखती है, ठीक है, बाकी कोई परेशानी नहीं दिख रही है अभी भी मार्केट के अंदर। तो मेरी तरफ से अपसाइड रहना चाहिए, अगर अप नहीं जाता मार्केट मंडे को, स्टार्टिंग में नीचे जाता है तो जितना नीचे जाएगा उसका डबल ऊपर आएगा, मतलब जैसे बॉल मारते हैं धरती में, बॉल मारने के बाद ऊपर आती है, ऐसे आएगा मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वहाँ डरने वाली बात नहीं है, सोमवार वाले दिन कहीं ना कहीं तेजी का मार्केट है, लेकिन कभी कभी क्या है, जो योग है उसमें मार्केट नीचे जितना जाता है उतना ही ऊपर आता है रिकवर करके, फिर चाहे बीच में अगर नीचे मान लो बैंक आपका बैंक निफ्टी 300 गया तो 300 ऊपर आएगा और 200 ऊपर आएगा, 500 ऊपर आएगा नीचे से, फिर ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। अब ओवरऑल का मार्केट देखें तो आपका जो है 27 तारीख को 1:10 से देखना,
वहां से डाउन होता है तो थोड़ा सा आपको आगे वीकनेस दिखा सकता है मार्केट। वो कौन सा टाइम है? मंगलवार को 1:10। ठीक, वहां तक तकरीबन ठीक है, नीचे जाता है तो ऊपर आएगा, खत्म कहानी। अभी ज्योतिषी योग की बात करें, इस वीक में क्या चेंज हो रहा है, बुध और मंगल 28 दिसंबर को राशि चेंज करेंगे, तो वो राशि जो चेंज हो रही है वो नेगेटिव नहीं, ठीक है। वहाँ एक और पॉजिटिव योग बनना है कि जब मंगल आगे जाएंगे धनु राशि में तो गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन योग बनेगा, वो भी पॉजिटिव है। क्यों? मंगल गुरु की राशि में आओगे और गुरु मंगल की राशि में, मेष राशि में, तो इसको बोलते हैं हम राशि परिवर्तन योग। तो ये योग खास करके जिन लोगों की राशि गुरु की है, धनु राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, पांच हो गए, चाहे उनकी ये लगन है चाहे उनकी राशि है, उनके लिए ये पॉजिटिव टाइम है आगे 1-1.5 महीना, ये ध्यान रखना। मैंने पांच राशि या पांच लगन बोली हैं आपको, वो आपकी धनु, मीन, मेष, वृश्चिक और कर्क, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, तो ये टाइम खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बुध देवता कितना मदद करते हैं, वैसे तो शुक्र के साथ रहेंगे वो बढ़िया ही योग है, खराब नहीं कह सकते, शुभ ग्रह के साथ रहेंगे, पर कुछ एक मायने में कुछ एक चीजें और भी होती हैं, वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रही हैं। पर ओवरऑल देखा जाए सबको जो देख के, तो मार्केट में कोई ऐसे खराब योग अभी तक पैदा नहीं हो रहे, सूर्य और मंगल एक साथ रहेंगे वो भी पॉजिटिव योग है, ठीक है। मंगल का भी अस्त समाप्त होने वाला है, बृहस्पति बकरी चल रहे थे वो समाप्त होने वाला है, तो सारी चीज तो ठीक लग रही है भाई, आगे खराब क्या लग रहा है, खराब तो कुछ है नहीं अभी। पर फिर भी कोई भी चीज ना अपनी धुन में एक लिमिट में ही बढ़ती है, तो थोड़े बहुत दिन हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट टाइप करे, पर आपको क्या लेना, आपको तो हर रोज का मार्केट मिल ही जाता है, पता ही लग जाता है क्या होगा, तो उसके हिसाब से काम करो। जिसने कोई भी पोजीशन बड़ी बनाता है तो हैज करके रखना, उसको मैं इंश्योरेंस बोलता हूँ, वो इंश्योरेंस वाला आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ, बीच में आगे मार्केट में डिस्क्लेमर हमारा यही है कि जो भी ये चीजें बताते हैं ये कोई हमारी पर्सनल राय, एजुकेशन बोलो, पर्सनल राय, आपने जो करना है जैसे करना है आप अपने उससे कर सकते हो। मैं आपको दो स्टॉक भी अभी बताता हूँ, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, पता नहीं क्या है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो विप्रो मैंने पिछले वीक में भी बताई थी, इस वीक में भी बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया शेयर है अभी भी, और एक बिटानिया पे ध्यान रखना, ठीक है, बिटानिया और विप्रो, बाई ऑन डिप्स, कहीं बीच में मार्केट में जर्क आएगा, मंगलवार को दोपहर बाद आता है या एक्सपायरी में तो वहाँ आता है, तो वहाँ पे इनको बाइंग किया जा सकता है जहाँ पर भी जर्क आता है, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी सर्विस के बारे में बता देता हूँ, क्यों मैं डेली नहीं बताता, ठीक है। देखो प्रीमियम ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हो, ईयरली ग्रुप है, मैंने पहले भी बोला था कि अभी जो टाइम है एक्स्ट्रा दे देंगे, और इसके बाद हो सकता है कि फिर हम बीच में ज़्यादा आदमी हो जाते हैं तो नहीं लेंगे, उतना फिर हम कर नहीं पाते, ठीक है। तो इस साल जो हमारा ईयरली ग्रुप है थोड़ा लिमिटेड आदमी रखेंगे, जिससे कि कोई मैसेज करे उसमें तो उसका अच्छे से रिप्लाई किया जा सके। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉमोडिटी के रूप है जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल में काम करते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कुंडली दिखाना चाहते हैं वो कुंडली किसी भी टाइप की आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, मैंने आपको 10 शेयर बता दिए, अभी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, देखो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं आपका 217 के ऊपर रुकता है तो फिर बाई ऑन डिप्स बन जाएगा, शायद 216-17 पे ही बंद हुआ है, ठीक है।
तो फिर इसमें 13-14 पॉइंट ऐड करते जाना टारगेट के लिए। गोल्ड सिल्वर यहाँ पे ठीक है, खराब नहीं है आगे, गोल्ड आपका भी और जाएगा ऊपर, ठीक है, गोल्ड और जाना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में जो हमारा ईएलडी ग्रुप था या जो कॉमोडिटी में थे, मैं भी बता देता हूँ, गोल्ड इस साल का मेटल में राजा था, ठीक है। तो मैंने ये सेम शब्द में बताया था ऑडियो में, ये राजा है। कोई भी आदमी गोल्ड को शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा, जब गिर जाए जहां गिर जाए वहां से बस बाइंग करना है हमें पूरी साल। अगर जिसने किया होगा अच्छा पैसा उठाया बनाया है, कुछ आदमी ने बहुत ही शानदार गोल्ड में पैसा बनाया है इस बार कॉमोडिटी ग्रुप में, क्यों आपको पता है भाई, किसी कारण से गिर गया, आपने खरीद लिया, अब फायदा किसको होता है, बड़े पैसे वाले को। अब जो एक लॉट पर काम कर रहा है वो तो एक लॉट में ही रह जाता है फंस के, करना क्या होता है, आपने खरीद लिया, अब आप तैयार बैठे हो, तू भाई गिरेगा तो मैं खरीदूंगा, तो वो गिरता भी नहीं है। ये भी विडंबना देखो कि हम बोले तू गिर जा, नहीं कि हम खरीदेंगे, हम एक खरीदा है अभी तीन खरीदने को बैठे हुए हैं, वो गिरता नहीं है, ठीक है। तो यही वाला पूरी साल का बता रहा हूं प्रोटेक्शन गोल्ड का, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था अमेरिका के मार्केट जहां है, देखो अमेरिका के मार्केट हाई भी क्रॉस करने लग गए, उससे कितने पहले मैं बताया था कहां पे थे अमेरिका में, मैं वो जनवरी वाला जो हाई है उसके पास जाएंगे, हम पहुंच गए वहां पे नहीं। और कुछ आदमी तो लिख लिख के बस यही डालते रहे, गुरु जी कोई बोल रहा है 10 दिन बाद गिरेगा इस तारीख से, अरे भैया कहाँ गिर रहा है, कौन बोल रहा है गिरने की, क्यों पागल हो रहे हो, बस वो गिरने के चक्कर में भाई उनके 50 मैसेज आते हैं। और अभी भी सेम है, कब से गिरेगा, अभी तुम गिरने की क्यों सोच रहे भाई, गिरे कोई इंडिकेशन मिले मैं खुद चिल्लाना शुरू कर दूंगा 2 दिन पहले से। अब जैसे ही कुछ दिन बड़ा गिरा था मार्केट, वो हमारे से ओवरलैप हुआ एक्चुअली, वो योग था वहां पर गिरने का और वो बड़ा योग था, ठीक है, वो ओवरलैप्स हुआ था, पर ऐसा हमें कोई लॉस नहीं हुआ कि भाई गिर गया या जो भी है, तो उससे हमने मेंटेलिटी नहीं चेंज की, फिर आदमी की वो जो है वहां हमने बाइंग कर ली जहां गिरा है। हम जिस दिन मार्केट गिरा उसके अगले दिन आपको भी बताया था, पुट लेके गए थे, मैंने बोला था इतना बड़ा मार्केट जब भी गिरता है बड़ी कैंडल बनाता है, दूसरे दिन नीचे जाएगा, इस पे जाएगा नीचे, किसी ने लिख के डाला था कि आपने तो पेपर ही लीक कर दिया, ठीक है, कि आपने जो पेपर बनाया था वो लीक कर दिया, सेम वहां तक गया, वहां से ऊपर आ गया, अभी देखो कहां पे आ गया। तो यही है मार्केट का, ठीक है। तो आपको तकरीबन सारी चीज, हाँ गोल्ड, मैं गोल्ड पे ज्यादा बात कर दी, BTC आपका थोड़ा सा साइड बेस टाइप है, हमारा 31 दिसंबर का था, इसके बाद फिर हम बात करेंगे, जो बताया हुआ है 31 दिसंबर तक BTC में सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 3 महीना पहले मैंने बताया था, वहां से अगर आप देखो BTC, मैंने बोला था दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना बढ़ेंगे। अभी इसके बाद जो हमारा है, जब नई साल आएगी तो आपको बताया जाएगा BTC का। सिल्वर ठीक है, क्रूड ऑयल भी कोई इतना नहीं है, क्रूड ऑयल शायद यहाँ से ऊपर जाएगा अभी, और क्या बचा आपका, और तो कुछ बचता नहीं, हाँ कॉपर, कॉपर हमने 703 से हम बाइंग में, कॉपर में वो हमारा सपोर्ट था, जिस दिन सपोर्ट था हमने चार्ट डाला था कि यहाँ पे बाइंग बनती है, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के खरीद लो, ठीक है। तो अभी शायद 725 चल रहा है क्या, 25, तो कॉपर भी ठीक है, कॉपर में कोई परेशानी नहीं। अब जो मेन मुद्दे की बात आती है, सेक्टर कौन से अभी आगे रन करने वाले हैं, ये है मेन मकसद। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, PSU बैंक अभी भी खराब नहीं है, PSU बैंक आपके अभी भी ठीक है, ठीक है, PSU बैंक ठीक है,
एक सेक्टर आपके फार्मा और केमिकल वाले, तो ये दो सेक्टर पे अभी भी बैंक के लिए आपने नजर रखती है, फार्मा केमिकल और पीएसयू बैंक, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कहानी खत्म। थैंक यू, जय हिंद। आज ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, लास्ट विचार आपका रह गया अभी भी 30 सेकंड वाला। उस दिन जो मैंने आपको बताया था कि जो जैसे अभी दो कॉलम है, एक सेकंड 11th हाउस में अगर ग्रह आपके कमजोर होते हैं, कमजोर मतलब पाप ग्रह होते हैं, राहु केतु शनि, तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर दोनों ग्रह दोनों घरों में हो, एक घर में हो, तो फिर आप जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं। वो आपका एक डाउट था, कई क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, देव गुरु बृहस्पति जब बुध की राशि और शुक्र की राशि में आ जाते हैं, शुक्र की राशि 2-7 और बुध की राशि 3-6, मतलब मिथुन कन्या या वृषभ और तुला राशि में आते हैं, तो आदमी का दिल पूजा पाठ के लिए लगता ही नहीं है, और लगता नहीं है तो उसको करना भी नहीं चाहिए। अगर वो ज़्यादा पूजा पाठ करेगा तो वो दुखी हो जाएगा, कहीं से भभूति, किसी बाबा के पास जाना, किसी से ताबीज लाना, ना भाई, ये सारी चीज़ उसको नहीं करनी। कितनी सी बात बता रहा हूँ, बृहस्पति जब बुध की राशियों में हों या शुक्र की राशियों में हों, तो आप खुद ही देखना, आपका पूजा पाठ में मन भी नहीं लगेगा और करना भी नहीं, उतना ही करना है आपने कोई एक भगवान पकड़ के, जो आपके कुंडली के हिसाब से जो बनते हैं, तो वो पकड़ के आपने क्या करना है, बस भगवान की आराधना करनी है, थोड़ी बहुत देर नाम जरूर लेना है, और जो कुछ भी आप करते हो, कभी प्रॉफिट होती है तो दोनों हाथ ऊपर करो और थैंक गॉड जरूर बोलो, धन्यवाद बोलो, हे परमात्मा तूने हमें दिया। हर दिन एक बार, 3 बार मैंने एक वीडियो बनाया था, थैंक यू बोलना है आपने, ठीक है। तो आज का विचार छोटा सा था, ये था, ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा चलो, कर नेक्स्ट में बताएंगे।